ओके, तो नॉर्मली क्या क्या समझ में आया? कुछ कुछ पार्ट्स के बारे में समझ में आ गया? यस दिनेश, एम आई ऑडिबल ऑल ऑफ यू? यस सर, यस ऑडिबल। सर, यस ओके, तो नाउ वी आर कम गोइंग टू दी ओरिजिनल जो फिगर है उस पे आते हैं। ओके, तो नॉर्मली क्या है इसमें, पर्टिकुलर जो इंस्ट्रूमेंट जो है वो किन पार्ट से बना हुआ है, कैसे वो नॉर्मली माउंटेन रहता है, किस एक्सिस के अबाउट रोटेट होता है, तो ये सारी जो है ना इंफॉर्मेशन है, जब तक आप माइंड में सेट नहीं करोगे या फिर रिमेम्बर नहीं होगी, तो यू कैन नॉट मेजर दी आइदर दी वर्टिकल एंगल और हॉरिजेंटल एंगल। मेन जो पर्पज है थ्रोडी लाइट का, ओनली फॉर दी मेजरिंग दी एंगल। अब पर्टिकुलर एज पर, जैसे नॉर्मली अगर आपको बियरिंग्स मेजर करना है, तो यू कैन आल्सो माउंटेन ऑन ए कंपास। मीन्स अगर आप कंपास माउंटेन कर दोगे, तो नॉर्मली मैग्नेटिक नॉर्थ आ जाएगा। मैग्नेटिक नॉर्थ के बाद पर्टिकुलर जिस ऑब्जेक्ट को अगर साइड करोगे, तो एंगुलर जो मेजरमेंट है वो उसकी बियरिंग हो जाएगी। और दो तीन पॉइंट जो है वो आपने सबसे लास्ट में एक और पॉइंट नोट किया होगा, वो था स्प्रेडिंग लेवल सर योर वॉइस इज नॉट लेवल गुड, जो है उसके बारे में, कि अगर आपका सर वॉइस इज नॉट नॉर्मली क्लियर। और टर्नियन एक्सिस या ओरिजेंटल एक्सिस, इसमें पर्टिकुलर टर्नियन हेलो एक्सिस कहाँ है, ये वाली जो पोर्शन है ये है एक्सक्यूज टर्नियन एक्सिस। मी सर, माय वॉइस और ओनली फॉर यू या अदर ऑल ऑफ यू? यस सचिन, यस सर, योर वॉइस इज यस लाइक सचिन, रिफ्रेश यस योर सर, लाइक। देयर इज सम लैग इन योर वॉइस। ओके ओके, नाउ नाउ ऑडिबल ऑल ऑफ यू? सर यू आर ऑडिबल बट इन नेक ऑफ योर ओके, एंड दे आर ड्यू टू द पॉसिबल देन यस सर, रिफ्रेश। ड्यू टू द नेटवर्क आई विल लॉस द फ्रॉम योर कॉन्टेक्ट साइड। ओके, तो नॉर्मली कहाँ पे था वो? नॉर्मली वीडियो तक तो आवाज आ रही थी ना आपको, मींस वीडियो तक तो आपको क्लियर है ना वहां तक? ओके, नाउ आई एम रिपीट द होल थिंग्स। ओके, तो नॉर्मली जो थ्रोडो लाइट में मोस्टली क्या है कि पार्ट्स, और उस पर्टिकुलर जो पार्ट्स हैं वो किस पर्टिकुलर अदर जो पार्ट्स पे माउंटेड है, किस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट होता है, आइदर द वर्टिकल एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो इन चीजों से अगर फैमिलियर होगे, तो यू कैन डायरेक्टली मेजर आइदर द वर्टिकल एंगल और हॉरिजॉन्टल एंगल। ओके, तो इसमें जो नॉर्मली जो वीडियो लेक्चर था, ये जो नॉर्मली अपन ने वीडियो जो सीन किया था, सबसे लास्ट में एक और वर्ड्स बोला था कि स्टीयरिंग जो लेवल है, स्टीयरिंग लेवल, इसके बारे में और डिस्कस करेंगे कि ये पर्टिकुलर क्या है इस एल्टीट्यूड लेवल के। ये एल्टीट्यूड लेवल है 12 नंबर, आई थिंक यस 12 नंबर जो एल्टीट्यूड लेवल है उसके परपेंडिकुलर माउंटेड होता है, मींस इस टर्नियन एक्सिस की हॉरिजॉन्टली देते हैं कि टर्नियन एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टल है कि नहीं है। ओके, नाउ कमिंग टू दी गो टू दी वन बाय वन जो पार्ट्स है उसको डिस्कस करेंगे। काफी मोस्टली जो पार्ट्स हैं वो कवर हो जाएंगे, और हिडन जो पार्ट्स होंगे वो अपन इसका क्रॉस सेक्शनल जो है थ्रोड लाइट का, वो बाय द हेल्प ऑफ अपन यू कैन मेजर। ओके, ये कुछ डायग्राम है जो जो कि आपके नॉर्मली कॉलेज में अवेलेबल होगा इसका थ्रोड लाइट का। तो यहाँ पे कुछ पार्ट्स जो है वो हिडन जो थे उसके पार्ट्स के बारे में बताता हूं मैं। ये है आपका नॉर्मली 15 नंबर जो पॉइंट था, एल्टीट्यूड लेवल। ओके, और एक्चुअल में जो फिगर अपन बात कर रहे थे इस वाले फिगर की, तो इसमें क्या है, ये अभी जो इसका लेफ्ट साइड का व्यू है, ओके, मींस ये ओनली फॉर यहां से अभी विजिबल है। तो वर्टिकल जो सर्कल और एल्टीट्यूड लेवल, ए फ्रेम, ये सारे क्या है इस वाले डायग्राम में ध्यान से देखना। अब पर्टिकुलर ये है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, ये टेलीस्कोप, ये आईपीस, और ये जो लेवल जो है इस पर्टिकुलर, ये जो लेवल दिख रहा है ना जहां पे अभी इसके बैक साइड में जो था,
इस लेवल को देखने के लिए जस्ट इसके ऊपर माउंटेन है क्या मिरर. व्हेन यू साइट दिस पर्टिकुलर मिरर मींस अगर आपकी रेज जो है आई रेज ये अगर इस तरह माउंटेड होती है तो इसके ऊपर जो लेवल का इमेज जो है यू कैन इजिली फाइंड आउट. क्यों? कि एक सर्टेन हाइट के बाद जो सर्वेयर है या फिर जो मेजरमेंट करने वाला उसको हाइट प्रॉब्लम की वजह से ये विजिबल नहीं होगा, है ना, कि इसका लेवल क्या है. लेवल कैसे, इसके अंदर क्या है, बबल्स, एक बबल है और एथेनॉल और इस टाइप से जो भरा हुआ है नॉन विस्कस जो फ्लूड है वो भरा हुआ है. अब इसका लेवल कैसे, आपने देखा होगा अगर ये इस साइड में है तो पर्टिकुलर लेवल, अगर ये प्लेन सरफेस पे नहीं है मींस बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं है तो इट कैन बी वेरी. ओके, तो ये है आपका 15 नंबर एल्टीट्यूड लेवल और ये है आपका ए फ्रेम या स्टैंडर्ड. ए जो इसका अल्फाबेट एक साइड ए शेप के होने की वजह से इसको बोल रहे हैं. ओके, और क्या था, ये आपका ट्राइपोड, ये ट्राइब्रेक, ट्राइबैक में ये अपर प्लेट, ये कैन बी लोअर प्लेट, लोअर प्लेट को क्या बोलते हैं ट्राइवेट, ये लेवलिंग स्क्रू. एक्चुअल में क्या करना, एक फिगर लेना लाइन डायग्राम और एक एक्चुअल फिगर लेना, उन लाइन डायग्राम और एक्चुअल फिगर को इस तरह जिस तरह मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं तो पेंट में जाके या फिर पीपीटी में जाके इस पर्टिकुलर फिगर को लेके और इसके पार्ट्स को इस तरह डिनोट करना ताकि हर पार्ट्स आपको पता चले. ओके, ये है आपका वर्टिकल, वर्टिकल जो सर्कल, इस वर्टिकल सर्कल में ये जो दो आपको देख रहे ये जो ब्लैक कलर के हैं ये तो मैग्नीफायर है जिससे आपको इजिली जो यहाँ पे जो रीडिंग होगी वो इजिली विजिबल हो इसके लिए. और ये जो ग्लास की तरह ये व्हाइट कलर की ये जो ग्लास है ये इसको बोलते हैं वर्नियर, मींस जहां से रीडिंग रीड आउट करते हैं. तो एक वर्नियर है सी और दूसरा है वर्नियर डी. वर्नियर सी और डी इन दोनों से अपन को क्या मेजर करना होता है, वर्टिकल एंगल. ओके, नाउ कमिंग टू दी, ये जो ए फ्रेम है ये टोटली माउंटेड होता है किसके ऊपर, अपर प्लेट पे, जो कि ये वाली, ये अपर प्लेट. और इसके ऊपर भी क्या है, ग्लास की एक लगा हुआ है जिसके ऊपर यू कैन इजिली फाइंड आउट दी ग्रेजुएटेड जो सर्कल है, ये हॉरिजॉन्टल जो सर्कल है इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल सर्कल जहां पे मार्क कर रखी है आपने सारा 0 डिग्री से 360 डिग्री. ओके, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए इसे करस्पॉन्डिंग क्या है, ऊपर इस टाइप से वर्नियर बना हुआ है और ये वर्नियर जो है उसको बोलते हैं वर्नियर ए और वर्नियर बी. इसमें इस वाले फिगर में एक तो ये दिख रहा है वर्नियर ए और इसके जस्ट बैक साइड में है वर्नियर बी. ओके, अब आते हैं कि इसके पर्टिकुलर जो पार्ट्स है उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे टेलीस्कोप के बारे में. टेलीस्कोप का अपन क्रॉस सेक्शनल एक चीज देखेंगे जिसमें आईपीस क्या होता है, फिर पर्टिकुलर इसमें नॉर्मली अपन जो यूज करते हैं वो क्या है. ओके, यहां तक क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर. ओके, नाउ कमिंग टू द टेलीस्कोप. अपना जो फर्स्ट जो पार्ट है वो है टेलीस्कोप. इसमें टेलीस्कोप में जो 24 नंबर और 23 नंबर जो पार्ट था वो क्या था, एक तो राइफल साइट और टारगेट साइट. एम आई करेक्ट? 22 और 23. 22 है टारगेट साइट और 23 जो है वो है राइफल साइट. ये कैसा होता है, किस तरह पहचानते हैं इसको? ये आपका 23 ये 23 और ये जो पार्ट दिख रहा है ना विजिबल है ये जो सर्कल में है, या इमेज को थोड़ा और लार्ज करूं, ये जो रेड सर्कल में मैंने डिनोट किया ये इट इज क्लियर विजिबल और नॉट?
सर थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लो. ओके ओके ओके. नाउ नाउ ओके सर. ओके जस्ट वेट. ओके तो देखो सबसे पहले अब इसका अपन को पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये है आपका आईपीस. ओके तो आईपीस मींस जहां से अपन को फर्स्ट जो सर्वियर जो है वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को साइट करेगा और इसका अपोजिट जो एंड है ये वाला जो एंड ये है इसका ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लेंस. और अब आपको क्या करना है देखने के लिए क्या करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर जो साइट वाला पॉइंट और ये जो साइट पॉइंट है इसको क्या करना पड़ेगा एक डायरेक्शन में देखते हुए थोड़ा लाइट का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करना पड़ेगा. तो आईपीस के जो पास में रहता है उसको बोलते हैं 23 जो नंबर था वो है राइफल राइफल साइट और ऑब्जेक्टिव पास के पास में ये जो मैं अभी सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं ये है इसका ऑब्जेक्ट साइट. क्लियर. और राइफल राइफल को क्यों दे रखा है जनरली आपने राइफल में देखा होगा कि जस्ट उसके ऊपर माउंटेड एक कैप्सन स्क्रू लगा रहता है और ये जो कैप्सन स्क्रू क्या करता है आप पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की तरफ अगर साइट करोगे फिर राइफल को चलाओगे तो यू कैन डायरेक्टली हिट दी जो गोल या फिर पर्टिकुलर जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको डायरेक्टली हिट कर सकते हो. तो इस तरह ये जो दो स्क्रू है इसको बोलते हैं एक तो राइफल साइट और इसको ऑब्जेक्ट साइड. ओके अब यहां ध्यान से देखो ये जो टेलीस्कोप है टेलीस्कोप की मूवमेंट और इस वर्टिकल सर्कल की मूवमेंट इन दोनों को फ्रीज या क्लैंप करने के लिए ये वाला जो स्क्रू है इसको बोलते हैं वर्टिकल क्लैंप स्क्रू. ओके और वर्टिकल क्लैंप स्क्रू होने के बाद मींस वंस यू फ्रीज दिस पर्टिकुलर स्क्रू मीन्स आपने स्क्रू से इसको टाइट कर दिया तो अब ये जो टेलीस्कोप की मूवमेंट है वो क्या हो गई फ्रीज हो गई. और अब इसको टेलीस्कोप की मूवमेंट को अगर स्लाइटली मूवमेंट कराना है तो ये वाला जो स्क्रू है ये जो इसमें माउंटेड है इसको बोलते हैं वर्टिकल टेंजेंट स्क्रू. ओके तो अपन फर्स्ट ये जो टेलीस्कोप है इसका कंसेप्ट पढ़ते हैं कि आईपीस में क्या लेंस होता है और इसको फोकसिंग करने के लिए क्या यूज होता है ऑब्जेक्टिव लेंस कैसा होगा. और ये जो ब्लैक कलर का ये जो माउंटेन है ये रोटेट हो सकता है इट कैन बी रोटेट इन क्लॉकवाइज और इट कैन बी रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज. ओके ये क्या हो सकता है रोटेट हो सकता है मींस आपको ये रोटेट दोनों साइड में होगा और ये इसको बोलते हैं फोकसिंग स्क्रू. ये किसके लिए यूज होता है टेलीस्कोप को मेनली जो ऑब्जेक्ट जो आपका जो ऑब्जेक्ट या फिर जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को साइट करना है उसको फोकसिंग मींस क्लियर इमेज बनने के लिए जैसे धुंधला बनता है ना तो नॉर्मली जो नॉर्मली इसको मैग्नीफायर या फिर इन दोनों जो लेंस का है लेंस कंसेप्ट भी पढ़ेंगे इसमें कि किस तरह इसकी इमेज बनती है. ओके नाउ कमिंग टू दी अब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्रॉस सेक्शनल जो है पार्ट्स टेलीस्कोप का ये अपन देखेंगे. एक्चुअल में ये अभी मेरे लिए भी रेस्ट्रिक्शन है कि मैं आपको जस्ट ऑनलाइन ये मान लो ऑनलाइन जो क्लास है उसके थ्रू ही पढ़ा सकता हूँ और व्हेन एवर आफ्टर द कोविड नॉर्मलाइज होगा तो वी कैन क्लियरली सी दी फिजिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स है इसको यू कैन इजिली फाइंड आउट कि कैसे कौन सा पार्ट जो है वो क्या वर्क करता है और उस पार्ट को क्या नेम कहते हैं. ओके तो अब यहाँ पे देखो इसका ध्यान से ये वाला जो ये लाइन डायग्राम है इसका पर्टिकुलर टेलीस्कोप का. अब इस लाइन डायग्राम में देखो जहां से आपको साइट करना है वो दोनों जो पीस जो है उसको बोलते हैं आई पीस. इसमें ये जो लेंस लगा हुआ है एक ये लेंस लगा हुआ है ये इनकी मूवमेंट जो है वो फिक्स्ड है. ओके मींस आई पीस जो है वो भी फिक्स है प्लस ऑब्जेक्टिव जो लेंस है ये भी फिक्स्ड है. क्लियर. Now coming to the second part is diaphragm. Diaphragm में देखो कि ये particular क्या object है ये है आपका इसका नीचे जो diagram है इसके बारे में अपन just पहले ही
टेलीस्कोप के बारे में बात कर लेते हैं, फिर डायफ्रेम के बाद में बात करेंगे. नाउ कमिंग टू द पॉइंट इज फोकसिंग, जो स्क्रू था ये वाला, ये क्या कर रहा है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट और इसकी इमेज जो है अगर आईपीस पे नहीं बन रही, दैट मींस ये जो फोकसिंग स्क्रू है ये ऑब्जेक्टिव लेंस तक तो इमेज आ रही है, बट ये फोकसिंग जो लेंस है इस इमेज को आपके आईपीस पे नहीं बना रहा. मींस आपको यू कैन नॉट सी दी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. तो दैट मींस अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस बाय द हेल्प ऑफ फोकसिंग स्क्रू से आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्लियर व्यू करने के लिए या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज इस तरह इसकी मूवमेंट करानी पड़ेगी. डिपेंडिंग ऑन दी आपका फोकस जो है वो नियरेस्ट है या फार एंड है, तो आप जैसे उसको इस तरह से करोगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये नाउ जो ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियर आपको विजिबल हो रहा है. ओके, अब आते हैं ऑब्जेक्ट. अब इस ऑब्जेक्ट को साइड करने के लिए आपको किस तरह ये जो डायफ्राम है ये हेल्प करता है. ये क्या चीज है अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट है इस तरह कि आपकी कोई भी इमेज जो होगी उसके अंदर कुछ लाइंस ड्रॉ होगी. जैसे अपन कैमरा अगर ऑन करते हैं, अगर इफ यू वांट फॉर ग्रिड, मींस अगर कैमरा ऑन करना है आपको और अगर आपको ग्रिड उसके अंदर ड्रॉ करना है तो यू कैन डायरेक्टली स्विच ऑन द ग्रिड पैटर्न. तो उस ग्रिड पैटर्न से क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो कितने ग्रिड के अंदर आ रहा है, वो सिमेट्रिकल है कि नहीं. अगर आपने ग्रिड नहीं रखा हो तो यू कैन नॉट से दी कि अगर उसका ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट जो है वो इस ग्रिड से मैच कर रहा है तो वो बिल्कुल एकदम ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर होगा. और अगर आपने ग्रिड मोड ऑन नहीं किया हुआ है तो इसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए ये क्या करते हैं, क्रॉस ये हेयर यूज करते हैं यहाँ पे. और पुराने टाइम में क्या होता था कि नॉर्मली इसको बनाने के लिए 4 टाइप के स्क्रू यूज करते थे, जिसको कैप्स्टन स्क्रू बोलते हैं. और ये जो कैप्स्टन स्क्रू है इसको हेयर क्यों बोलते हैं, ये जो हॉर्स है घोड़े के उसके नॉर्मली जो पूंछ जो है उसके जो बाल जो होता है उसको यूज करता थे पहले. नाउ क्या होता है, अब क्या होता है, अब डायरेक्टली जो ग्लास है इस ग्लास पे ही माउंटेड होते हैं. मीन्स ग्लास जो है आपका यहाँ पे इसी पे क्या करते हैं, ये इस तरह से इसको डिजाइन कर देते हैं. तो पुराने टाइम के वजह से इसको बोलते हैं क्रॉस हेयर. अब ये जो क्रॉस हेयर है उसका कोई भी पैटर्न हो सकता है. मीन्स देयर द नंबर ऑफ द पैटर्न्स यूज्ड फॉर इन पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट थोड़ा लाइक कि क्रॉस हेयर कैसे एक एक सर्कल में एक यहां से डायमीटर एक यहां, मीन्स परपेंडिकुलर दो क्रॉस हेयर, फिर उसके बाद में एक हॉरिजॉन्टल और दो इंक्लाइंड एंगल से और हॉरिजॉन्टल एंगल के पैरेलल दो और क्रॉस हेयर. तो ऐसे करके नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है. ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो है क्रॉस हेयर के वो कितने हैं, टोटल 5. तो मोस्ट वाइडली जो यूज होता है ये वाला यूज होता है, सबसे जो लास्ट नंबर वाला टैक्योमीटर में. और सेकेंड जो लार्जेस्ट यूज होता है वो है बी थोडोलाइट के पर्पज में. क्लियर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो ध्यान से देखो. अब ये वाला जो पार्ट है ना डायफ्रेगम वाला, ये जो पार्ट है वो है यहां पे. ओके, जस्ट आईपीस के बाद में ये जो ब्लैक कलर का और आईपीस, और यहाँ पे आपको हल्का सा दिख रहा होगा इस टाइप की कैप्सन स्क्रू भी दिख रहे होंगे अगर आप विजिबल हो रहे हैं. तो ये जो इस कैप्सन स्क्रू से क्या कर सकते हो कि अगर मान लो ये आपका ये हॉरिजॉन्टल ना रह के इस टाइप से बन गया, मींस अब आपका सर्कल कैसा बना है, ये वर्टिकल जो क्रॉस हेयर वो तो वर्टिकल है बट हॉरिजॉन्टल वाला यहां नहीं रह के वो अभी यहां पे. तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, बाय द हेल्प ऑफ कैप्सन जो स्क्रू है उससे क्या करना पड़ेगा, इसको नीचे की तरफ स्लाइड करके यहाँ पे बिल्कुल एकदम परपेंडिकुलर इस तरह लेके आना पड़ेगा. तो इसका यूज एडजस्टमेंट, परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ द क्रॉस हेयर जो है उसके लिए यूज होता है. ओके, और नाउ कमिंग टू, अब आते हैं अपन फोकसिंग लेंस पे. ये जो फोकसिंग लेंस है ये देखो ध्यान से, इस वाले स्क्रू से आप क्या कर सकते हो, ये फोकसिंग लेंस क्या हो सकता है, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हुक, ये नॉर्मली इस तरह प्लेट में एक इनसाइड होता है
पूरा जो टेलीस्कोप है उसके इनसाइड फोकसिंग लेंस यूज करते हैं. ओके, ये जो फोकसिंग लेंस जो है इट कैन बी मूव आइदर द फ्रॉम द टूवर्ड्स ऑब्जेक्टिव लेंस और इट कैन बी मूव टूवर्ड्स आईपीस. ओके, और फोकसिंग स्क्रू होता है कौन सा, डबल कॉनकेव लेंस. ओके, और ये भी क्या है, कॉन्वेक्स जो लेंस है वो माउंटेड होता है ऑब्जेक्टिव लेंस के डायरेक्शन में. ये जो डबल कॉनकेव जो लेंस है ना, ये इस ट्यूब मींस ये एक तरह से क्या है, हॉलो ट्यूब भी तो है, इस ट्यूब के इनसाइड एक और शॉर्ट ट्यूब्स में, ये जो शॉर्ट ट्यूब्स हैं इसके द्वारा माउंटेड होता है. और ये जो एक प्लेटफॉर्म है मींस इसमें क्या होता है, जब आप इसको स्लाइडिंग करोगे तो ये जो शॉर्ट ट्यूब्स हैं इट कैन बी मूव टूवर्ड्स आईपीस और इट कैन बी मूव ऑब्जेक्टिव साइड. तो इससे पर्टिकुलर क्या है, ये जो फोकसिंग जो लेंस है ये मूवमेंट हो सकता है. और ये इंटीरियर टाइप का है, मींस इसके अंदर टेलीस्कोप के इनसाइड है, और ऐसे बहुत सारे टेलीस्कोप है जो आउटसाइड भी हो सकता है, मींस फोकसिंग स्क्रू आउटसाइड भी हो सकता है. अब इनसाइड और आउटसाइड जो फोकसिंग जो लेंस है प्रोवाइड कर रहे हैं उसका बेनिफिशियल क्या है कि अगर इनसाइड रहेगा तो नॉर्मली डस्ट पार्टिकल और एक्सटर्नल जो एनवायरमेंट है उससे अफेक्टेड नहीं रहेगा. और आपने इस चीज को अगर आउटसाइड कर दिया, मींस ये आपका टेलीस्कोप और ये जो लॉन्ग शॉर्ट ट्यूब्स हैं इसको बाहर के साइड में किया और इसके अंदर आपने रखा है अभी फोकसिंग स्क्रू, मींस ये जो प्लेट है वो आउटसाइड है, लेंस तो इसके अंदर है ट्यूब के अंदर. तो अब क्या होगा, ड्यू टू डस्ट क्या होगा, ये जो नॉर्मली जो शॉर्ट ट्यूब्स है इसकी मूवमेंट क्या होगी, कुछ नॉर्मली मूवमेंट जो है वो इतनी फ्रिक्वेंटली मूवमेंट नहीं करेगा जितना ये इंटीरियर टाइप का जो है वो मूवमेंट कर सकता है. ओके, क्लियर. यहां तक क्लियर? ओके, अब आते हैं इस बाय द हेल्प ऑफ दिस डायफ्रैग्म जो नॉर्मली आईपीस जो है, अब आपको ऑब्जेक्ट को किस तरह साइड करना है. अब देखो ध्यान से देखो, फॉर एग्जांपल एक ट्री है, तो ट्री का ये जो स्टेम है इसको साइड करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, आपको मिड ऑफ द ट्री, मिड पॉइंट ऑफ द ट्री लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाले साइड में ये जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल जो क्रॉस है वो बिल्कुल इसके क्या हो, सेंट्रोइड से मैच करे. यस और नो, यहां से दिख रहा है आपको ऑब्जेक्ट, पता चला ये ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट को अब ऐसा नहीं करना है कि आपको ये वाला जो पॉइंट है वो यहां पे आ सकता है, यहां पे आ सकता है, बिल्कुल इसका वर्टिकल जो क्रॉस हेयर है वो इसके सेंटर लाइन से कॉइंसाइड करे. ओके, ओके. तो ये है आपका मेजरमेंट करने का तरीका, इसको ध्यान रखना है. जब अपन फील्ड में इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे तो मैं पूछूंगा कि नॉर्मली अब आपको वर्टिकल जो जो क्रॉस हेयर है उसको इसके सेंट्रोइड पे रखना है या फिर इसके एज पे रखना है, कहाँ पे रखना है ताकि एक्यूरेट मेजरमेंट आए. तो सेंट्रोइड पे रखोगे तो एक्यूरेट मेजरमेंट आएगा, क्यों, क्योंकि अपन इसको स्टैंडर्ड मान रखा है कि इसका सेंट्रोइड जो है वही इसका एंगल सब्सट्रेट करेगा. ओके, क्लियर. Yes, तो टेलीस्कोप के बारे में क्लियर है अभी तक? टेलीस्कोप के बारे में किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क मी. सर रेंज कितनी होगी टेलीस्कोप की? अब पर्टिकुलर जो ये नॉर्मली जो थ्रोडोलाइट है इट कैन बी 500 मीटर और 250 मीटर, 100 मीटर, 50 मीटर. तो डिपेंडिंग ऑन दी कि जो मैग्नीफायर जो आप यूज कर रहे हो, ये इसमें क्या है कि एक रेंज आती है कि पर्टिकुलर जो, जैसे ये कैसे कि इसका लोअर जो प्लेट है वो मान लो 20 सेंटीमीटर है. एक तो इससे पहचानते हैं थ्रोडोलाइट का कि ये इसकी जो लोअर प्लेट है वो 20 सेंटीमीटर होगी
और जो थोड़ा इसका टेलीस्कोप जो है वो इट कैन बी मेजर अप टू जो साइट जो है इट कैन बी मेजर अप टू 500 मीटर इट कैन बी साइट ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट 1000 मीटर. तो इसमें क्या है कि ये शॉर्ट जो डायमेंशन है फॉर प्लान पर्पज ये मैपिंग पर्पज में यूज नहीं होता है क्योंकि अगर हिडन जो कोई पॉइंट है उसको मैप करना है तो यू कैन यूज दी थोडोलाइट बट फॉर दी लॉन्ग साइट यू कैन यूज फॉर टोटल स्टेशन. और ये टोटल स्टेशन क्या है इसी का डिजिटल है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल जो इंस्ट्रूमेंट है इसी का मॉडिफाइड है. वो भी क्या करता है हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करता है वर्टिकल एंगल मेजरमेंट करता है और अगर उसके साथ में आपने ईडीएम ऐड कर दिया तो इट कैन बी मेजर लीनियर. तो टोटल स्टेशन क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ दी थ्रू आउट थ्रोडोलाइट प्लस ईडीएम. क्लियर? यस सर. और किसी को यहां तक क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़े. ओके वेरी गुड. अब आते हैं सेकंड है वर्नियर फ्रेम और इंडेक्स फ्रेम. अब पर्टिकुलर जो ये टेलीस्कोप का अरेंजमेंट है ये इसके साथ में अटैच होता है वर्टिकल सर्कल और ये थ्रू आउट किस पे सपोर्ट होता है ये स्टैंडर्ड फ्रेम. ओके ये ए जो फ्रेम है इसको बोलते हैं इस फ्रेम पे क्या होता है ये सपोर्ट होती है. ओके तो अब आते हैं कि जो वर्नियर जो सर्कल है ये सारा क्या है वर्नियर सर्कल वो भी कौन सा वर्टिकल वो उसका अरेंजमेंट क्या है कि वो किस तरह रीडिंग मेजर करता है फिर उसके बाद में अपन उस रीडिंग को कैसे मेजर कर सकते हैं और उसके साथ साथ किस तरह क्लैंप स्क्रू जो है वो यूज होता है और टेंजेंट जो स्क्रू है वो किस तरह यूज होता है. ओके अब आते हैं अपन इसकी वर्नियर फ्रेम या इंडेक्स जो फ्रेम है उसके बारे में. तो टी फ्रेम भी बोलते हैं क्योंकि ये टी अल्फाबेट ये पूरा अरेंजमेंट कहाँ है ये है आपका अरेंजमेंट यहाँ पे इनसाइड दिस ये जो पर्टिकुलर है वहां पे. एक और फिगर अपन ले लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए विजिबल हो जाए आपको पर्टिकुलर वेयर ये आई थिंक दिस This is enough. यहां तक क्लियर ये इमेज विजिबल तो है ना आपको सबको. यस ओके अब आते हैं इसका देखो इसका ऑपरेशन करते हैं कि इसके पार्ट्स क्या है वर्टिकल सर्कल के. इसका लाइन डायग्राम जो है वो बहुत कुछ चीजें बयां करते हैं मींस एक्चुअली आपने पढ़ा होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में तो मोस्टली अगर मैकेनिकल या सिविल या किसी इंस्ट्रूमेंट का अगर आप लाइन डायग्राम और क्रॉस सेक्शनल उसका साइड व्यू प्लान ये अगर आप ड्रॉ करते हो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड अबाउट दी हिडन फीचर्स ऑफ ए पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. ओके अब देखो ये इसके अंदर इनसाइड की बात कर रहा है ये तो हो गया आपकी ए फ्रेम स्टैंडर्ड फ्रेम इसकी बात नहीं कर रहा मैं अब इसकी बात कर रहा हूं ये जो वर्नियर है आपका वर्टिकल वाला इसकी बात कर रहा हूं यहाँ पे. तो सबसे पहले ये जो डिस्क है वर्टिकल जो डिस्क इसको बोलते हैं इस तरह से ये शो कर रही है ये वाली इसको बोलते हैं वर्टिकल सर्कल डिस्क. इसके ऊपर क्या होता है यहां पे आपको 0 degree 90 degree फिर वापस 0 degree और 90 degree. ओके इट कैन बी 360 degree भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रोडोलाइट यूज. ओके और इस वर्टिकल सर्कल को मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे ये आपका पूरा वर्टिकल सर्कल और यहाँ पे 0 degree यहाँ पे मेंशन कर रहा है 0 और 90 और 90. ओके यहां तक क्लियर आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. ओके नाउ कमिंग टू दी इज टी फ्रेम और इंडेक्स फ्रेम. ये जो अल्फाबेट इस तरह से ये बना हुआ है ये एक ओरिजिनल लाइन और ये वर्टिकल लाइन इसको बोलते हैं टी फ्रेम. इस टी फ्रेम पे बाउंडेड होता है वर्नियर. वर्नियर कौन सा वो भी वर्टिकल वाला. ये जो यहाँ पे आपको मैग्निफायर्स है इसके जस्ट पास में यहाँ पे वर्नियर शो कर रहा है
और इनकी जो रीडिंग जो है यहाँ पे, जैसे वन ईयर पे मैंने बताया था आपको रेट्रोग्रेड वन ईयर, और क्या बताया था, और किस टाइप का वन ईयर है, किसी को तो याद होगा वन ईयर कितने टाइप्स के होते हैं आपके साहित्य, कितने टाइप्स के होते हैं वन ईयर? अरे किसी को तो पता होगा, हाँ दो टाइप के, कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? डायरेक्ट और रेट्रोग्रेड। डायरेक्ट और रेट्रोग्रेड वन ईयर। क्लियर? अगर नहीं पता तो वापस जाके नोट्स में देखना, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा इस पर्टिकुलर, आपके काम में आएगा। ओके, अब देखो इसका अरेंजमेंट देखो, ये है आपका टी फ्रेम जिसके ऊपर वन साइड वर्नियर लगा हुआ है, अनदर साइड एक और सेम वर्नियर लगा हुआ है। ये जो इस टाइप का अरेंजमेंट है जो आईपीस के पास में है उसको बोलते हैं वर्नियर सी। ओके, याद रखना है क्योंकि इनकी रीडिंग अपन नोट डाउन करना होता है, बाद में जब मैं ये नॉर्मली पूरा थ्रू आउट हो जाएगा थ्रोडलाइट के पार्ट के बारे में, तो जब हाउ टू मेजर दी वर्टिकल सर वर्टिकल एंगल और हॉरिजॉन्टल एंगल बाय द हेल्प ऑफ थ्रोडलाइट, एक टेबुलर फॉर्म में फील्ड बुक बनेगी, उस फील्ड बुक में आपको वहां पे जाके क्या करना होता है, रीडिंग नोट डाउन करना होता है। तो ये है आपका वर्नियर सी और ये है आपका वर्नियर डी। ओके, नाउ कमिंग टू दी, इस जो अरेंजमेंट जो है इसके पर्टिकुलर, इसके ऊपर लगा हुआ है आपका ये वाला पॉइंट 15 नंबर जो पॉइंट अपन ने पढ़ा था, एल्टीट्यूड लेवल, और ये शो करता है इस पर्टिकुलर जो इंस्ट्रूमेंट है इसकी वर्टिकलिटी, मींस वर्टिकल है या नहीं है। अगर ये इंक्लाइंड होगा तो ये बबल बिल्कुल इसके सेंट्रोइड पे नहीं होगा। ओके, अब इस टी फ्रेम को यूज करते हैं दो जो स्क्रू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रू है, वो है एक तो क्लिप स्क्रू। ये हल्का सा अगर आप मैं अगर आपको शो करना चाहूं तो क्लिप स्क्रू जो इसका ये पर्टिकुलर है वो है ये वाला पार्ट, ये क्या है, क्लिप स्क्रू। ओके, इस क्लिप स्क्रू से क्या करते हैं, इस वर्नियर का परमानेंट एडजस्टमेंट, थ्रोडलाइट के बहुत सारे परमानेंट एडजस्टमेंट होता है, कैसे कि आफ्टर द यूजिंग दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट फॉर द 5 years 10 years या 2 years, तो उससे क्या होगा, इसका ओरिएंटेशन जो है वर्नियर सी और वर्नियर डी, इन दोनों का ओरिएंटेशन में भी चेंज हो सकता है। कैसे हो सकता है, ये अभी टी फ्रेम है, ये परफेक्टली वर्टिकल है अभी, और वर्नियर जो है वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है, तो कुछ टाइम के बाद मान लो आपने नीचे गिरने से वजह से या फिर जो नॉर्मली मिस मेजरमेंट या फिर इसको ऑपरेट नहीं करना है जिसको, वो इट कैन बी चेंज, मींस या आपने स्क्रू से ना आपने चेंज कर दिया, तो अब आपका क्या होगा आफ्टर लॉन्ग टाइम या यूजिंग पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, ये क्या हो जाएगा, टी जो है इट कैन बी इंक्लाइंड, यस और नो भाई, कुछ ना कुछ तो इंक्लाइंड हो सकता है ना। अब ये इंक्लाइंड हो गया, दैट मींस आपका जो वर्नियर सी और डी है वो क्या देगा, रीडिंग जो है कुछ ना कुछ एरर देगा उसके अंदर, और ये एरर क्या रहेगी, कंटिन्यूअसली जितने मेजरमेंट लोगे उसके अकॉर्डिंग ये एरर क्यूमुलेटिव एड होती रहेगी। ओके, अब इससे इसका एडजस्टमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाय द हेल्प ऑफ क्लिप स्क्रू, ये जो टी जो वाला पोर्शन है इसका, ये वाला जो पोर्शन है इसको हल्के से क्या करना है, इसको टाइट करना है और इसको लूज करना है। तो इसको जैसे ही टाइट करोगे तो इसको ये क्या करेगा, फोर्स, और आपकी जो ये टी फ्रेम है ये परफेक्टली क्या रहेगी, इसका जो ये वाला जो लेग है ये तो वर्टिकल रहेगा और ये वाला रहेगा परफेक्टली हॉरिजॉन्टल। यहां तक क्लियर, समझ में आया इसका? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू दी वर्टिकल सर्कल। अब ये वर्टिकल सर्कल में, इस वर्टिकल सर्कल में जो ग्रेजुएटेड है मींस इसकी किस तरह डिग्री को शो किया है, ये याद रखना, 0 डिग्री आता है यहां से स्टार्ट होता है वर्नियर
सी से, इसके अपोजिट जो है ये है आपका वर्नियर डी। इन दोनों पे सामने की तरफ जीरो डिग्री शो कर रहा है, तो कोई अगर लाइन जीरो डिग्री शो कर रहा है दैट मींस वो लाइन क्या है, परफेक्टली हॉरिजॉन्टल, यस और नो? यस सर। हाँ, तो अगर आपकी पर्टिकुलर लाइन ऑफ साइड या जो लाइन है अगर वो हॉरिजॉन्टल है दैट मींस जीरो डिग्री सब्सट्रेट कर रहा है, तो उसका मतलब है कि वो लाइन जो है वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है। ओके, अब लाइन ऑफ साइड बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि लाइन ऑफ साइड किसको बोलते हैं। लाइन ऑफ साइड बोलते हैं कि जो आपका आईपीस है उसके सेंट्रॉइड से सामने की तरफ जो ऑब्जेक्टिव जो लेंस है उसका सेंट्रॉइड, और आप आपको अब क्या कर रहे हो पर्टिकुलर यहां से आपको साइड कर रहे हो, मींस अब आपके आई ये रहा पर्टिकुलर आईपीस, इसका सेंट्रॉइड और ऑब्जेक्टिव सेंट्रॉइड, ये इमेजिनरी लाइन है, कोई रियल लाइन नहीं है। इस इन दोनों सेंट्रॉइड को मिलाते हुए अब यहां से आपको आई साइड मींस यहां से देखना स्टार्ट करते हो, तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइड। क्लियर? तो दैट मींस अगर लाइन ऑफ साइड जीरो डिग्री है तो मतलब अब वो वाला जो आपका प्लेन है या फिर लाइन जो है वो क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर? यहां तक क्लियर? यस सर। ओके, नाउ कमिंग टू दी ये वाला जो फिगर है वर्टिकल क्लैंप स्क्रू, इसका लाइन डायग्राम सबका सेक्शनल व्यू कर रखा है, बहुत बहुत इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए कि इस थोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या चीजें हैं। ये है आपका वर्टिकल, ये रहा, थोड़ी इमेज को और बढ़ा देता हूं मैं, और इसके लाइन डायग्राम मैं असाइनमेंट डालूंगा सबके जो अभी आज पढ़ा रहा हूं, इसका लाइन डायग्राम मैं डालूंगा, तो वीडियो पोज करके स्क्रीनशॉट लेके ड्रॉ कर देना, और जिसने अभी तक थ्रोडोलाइट का लाइन डायग्राम नहीं ड्रॉ किया है तो वो सेंड करे, उसके मार्क्स तो मैं नहीं दूंगा क्योंकि आपने लेट सबमिशन में अलाउ नहीं करूंगा, लेकिन आपको आगे की जो चीज है वो और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, और एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन है ये छूट नहीं पाए, थ्रोडोलाइट का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप थ्रोडोलाइट का पढ़ोगे तो भी उसके बाद में आपको टोटल स्टेशन समझ में आएगा। ओके, तो ये देखो इसका ये वाला पार्ट्स, मैं अब इसका ये वाला पार्ट्स की बात कर रहा हूं मैं, ये जो अरेंजमेंट है ना, ये जो अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट को अब लेके चलो यहां। ओके, अभी 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 जैसे देखो आईपीस के ये क्या है अभी इस साइड में, और इसका अपोजिट देखो आईपीस के राइट साइड में ये। ओके, तो अगर आईपीस के लेफ्ट साइड में ये अरेंजमेंट हो वर्टिकल सर्कल या वर्नियर तो इसको बोलते हैं फेस लेफ्ट। ओके, और आईपीस के अगर राइट साइड हो आपका वर्टिकल अरेंजमेंट या वर्टिकल सर्कल या वर्नियर तो इसको बोलते हैं फेस राइट। ओके, यहां तक क्लियर? फेस राइट और फेस लेफ्ट का समझ में आ गया? फेस लेफ्ट किसको बोलते हैं? फेस लेफ्ट बोलते हैं ये। ओके, समथिंग वॉइस इज नॉट क्लियर फॉर अबाउट दिस पर्टिकुलर फिगर या इसके लिए, कहां पे जो वॉइस है वो लैग की? यस पृथ्वी सर, अभी तो है, कहीं लैग नहीं हुआ। आई थिंक फ्रॉम पर्टिकुलर उसके साइड से होगा या तो। ओके, तो फेस लाइव फेस राइट और फेस लेफ्ट का ओरिएंटेशन पता चल गया? यस सर, एक बार वापस। ओके, एक बार वापस कर देते हैं। ये देखो यहां पे देखो ध्यान से, ये आपका आईपीस है, इस आईपीस के लेफ्ट साइड में अगर लेफ्ट साइड में ये वर्टिकल जो वर्नियर या फिर ये डिस जो है ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट रहेगा तो इसको बोलते हैं फेस लेफ्ट, जो कि ये वाला फिगर शो कर रहा है। अब इसका अपोजिट क्या हो सकता है? इसको अपोजिट करने के लिए अपन को बहुत सारे ऑपरेशन करने होते हैं, स्विंग करके और उसको रोटेट करके, किसको? टर्नियन।
इस प्रोटोलाइट को अगर किसी ने पॉइंट आउट किया है एकदम बिल्कुल, तो उसने एक चीज फाइंड आउट की थी, ये जो कैप्सन जो स्क्रू है, ये राइफल साइट, ये वाला जो पॉइंट है दिख रहा है अभी जो सर्कल में मार्क कर रहा हूं ब्लू से, ये जो राइफल साइट है अगर टॉप पे रहती है तो आपका फेस लेफ्ट होता है, और ये अगर यहां से ध्यान से देखो इस वाले फिगर को वापस लेके आता हूं, ये वाला, ये फिगर थोड़ा यहां पे ले आते हैं, ओके ध्यान से देखना। अब ये राइफल साइट का, राइफल साइट अगर बॉटम है तो अब आपका क्या हो गया, राइट फेस, यस और नो? यस सर। तो दैट मींस अगर आईपीस के लेफ्ट साइड में आपका वर्नियर रहता है या वर्टिकल सर्कल रहता है तो उसको बोलते हैं फेस लेफ्ट अरेंजमेंट, मींस अब आपका थ्रोटोलाइट जो है वो लेफ्ट फेस है, और अगर राइट साइड में रहता है इस आईपीस के राइट साइड में वर्टिकल, और दूसरा क्या बोल सकते हैं, जो राइफल साइट है या टारगेट जो साइट है वो बॉटम रहती है तो फेस राइट, और अगर ये राइफल साइट और ऑब्जेक्ट साइड ये अगर टॉप साइड में रहते हैं तो उसको बोलते हैं फेस लेफ्ट। यहां तक क्लियर? क्लियर यहां तक? यस सर। एक्चुअल में जहां तक मैं कोशिश हो रहा हूं आपको फिगर और जितना प्रैक्टिकल हो सके उतना नॉलेज देना, थ्योरेटिकल नॉलेज आपको यू कैन डायरेक्टली गो टू दी बुक्स, जब आप बुक में पढ़ोगे तो ये जो वर्ड्स जब तक समझ में नहीं आएगा, मींस एक चीज फिर वापस मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं कि जब तक इंजीनियरिंग में अगर आप वर्ड्स टू वर्ड्स अगर आपको समझ में नहीं आता, मींस थ्रोटोलाइट, तो थ्रोटोलाइट का मीनिंग क्या है कि वो एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है, और दे आर कंसिस्ट मेनी ऑफ द पार्ट्स, मोर देन 22 या मोर देन 30 पार्ट्स, 23 पार्ट्स रहते हैं। अब फिर उसके बाद बोलते हैं इंडेक्स आर्म, अब इंडेक्स आर्म क्यों बोल रहे हैं, फिर उसके बाद में इसका अल्टरनेट नेम जो था वो है टी आर्म, तो टी आर्म क्यों बोल रहे थे इतनी देर से, क्योंकि वो टी अल्फाबेट की तरह है, तो मींस आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जब तक आप उसको तोड़ोगे नहीं, वर्ड से वर्ड्स अगर नहीं तोड़ोगे तो इंजीनियरिंग में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी आगे, आफ्टर जैसे आप बीटेक कंप्लीट हो गया तो आपको सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से लिंक अप करना होता है, मींस आप कहीं पे जॉब या फिर इंटरव्यू देने जाओगे तो ऐसे नहीं पूछेंगे, हाँ बेटा सर्विंग में बताओ कि थ्रोटोलाइट क्या यूज आता है, या फिर सर्विंग में बताओ कि ईडीएम जो है वो थ्रोटोलाइट के साथ में अटैच होने पे टोटल स्टेशन कैसे, वो तो डायरेक्टली पूछेंगे, थ्रोटोलाइट जो है इंस्ट्रूमेंट फॉर योर मेन जो पर्पज है अगर फॉर पेट्रोलियम इंडस्ट्री के लिए वो किस लिए पर्पज है, तो आपको लिंकअप करना पड़ेगा, तो ये जो सब्जेक्ट जो है आपके सारे इसको एक दूसरे से लिंक नहीं करोगे, रिजर्वर इंजीनियरिंग, वेल इंजीनियरिंग, इनको लिंक नहीं करोगे, क्योंकि लिंक करने के बाद में ही आप पेट्रोलियम इंजीनियर बनोगे, ओके? तो वो लिंक करने के लिए आपको पता होना चाहिए वर्ड से वर्ड, मींस उस एग्जैक्ट वर्ड की मीनिंग क्या है, फॉर वर्नियर, वर्नियर क्या है, एक तरह से स्केल जो है वो सपोर्ट या फिर मैन जो स्केल का लीस्ट काउंट बढ़ाने के लिए, मीन्स प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए ये एक तरह की एडिशनल स्केल यूज करते हैं, और इस स्केल से अपन यू कैन इजिली प्रिसाइज मेजरमेंट और लीस्ट काउंट, अगर किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का अगर वन मिनट है इट कैन बी और प्रिसाइज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए इसका क्या है 20 सेकेंड, मीन्स उसकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए यू कैन यूज वन ईयर, तो मीन्स जब तक आप वर्ड से वर्ड नहीं खेलोगे, मीन्स आपको तोड़ नहीं तोड़ना है, हर वर्ड्स को तोड़ना है और उसका एग्जैक्ट मीनिंग याद रखना है, जब एग्जैक्ट मीनिंग याद रहता है ना तो थ्योरेटिकल पोर्शन हो या न्यूमेरिकल पोर्शन, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल एकदम वर्ड टू वर्ड आप दे सकते हो, ओके? क्लियर? यहां तक क्लियर? यस सर। ओके वेरी गुड। नाउ गोइंग टू दी वर्टिकल क्लैम स्क्रू। अब ये वर्टिकल क्लैम स्क्रू का अरेंजमेंट देखो, यहां से इसको उठाओ और इस वाले डायग्राम लेके आओ, ये है आपका वर्टिकल क्लैम स्क्रू, मतलब इस एक्सिस के अबाउट इट कैन बी रोटेट आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका वर्टिकल सर्कल, मीन्स इस वर्टिकल सर्कल को रोटेशन रोकना है या फिर फ्रीज करना है तो डायरेक्टली गो टू दी वर्टिकल क्लैम स्क्रू, ओके? Now coming to when you freeze
this particular arrangement vertical circle by the help of vertical clamp screw for providing the slight movement. Slight movement means हल्का सा इसको एक उसकी पोजीशन चेंज करनी है तो उसके लिए यूज होता है वर्टिकल टेंजेंट स्क्रू. अब वर्टिकल टेंजेंट स्क्रू क्या करेगा, इस वाली आर्म को इस तरह हल्का से इस तरह प्रेस करेगा या फिर पुश करेगा ताकि ये आपको प्रिसाइज मेजरमेंट दे सके. वो ये रहा अरेंजमेंट, ये है आपका वर्टिकल टेंजेंट स्क्रू और ये वाला पोर्शन जो है ये है वर्टिकल क्लैंप स्क्रू. इस वाले डायरेक्शन में इस वाले जो फिगर है उसमें क्यों नहीं विजिबल हो रहा है, क्योंकि ये अभी क्या है फेस लेफ्ट और यहां से अपन व्यू कर रहे हैं और ये है आपका फेस राइट. यहां तक क्लियर? नाउ कमिंग टू द पॉइंट. यस, इस पर्टिकुलर स्लाइड में किसी को डाउट? यस रौनक, पृथ्वी, एनीवन? नो सर, नो डाउट. नो सर. ओके ओके. आप में से ऐसे से कोई ज्यादा सो तो नहीं रहा ना ऐसे क्लास में? नहीं होना, हर किसी का वीडियो ऑन करूंगा फिर नेक्स्ट क्लास में. अब आते हैं अपर प्लेट, लोअर प्लेट और ये हो गया आपका अरेंजमेंट. अरेंजमेंट कहां तक हुआ है अभी तक? अपन ने अभी तक डिस्कस किया है इस पोर्शन तक, यहां तक अपन ने सारा पोर्शन डिस्कस कर लिया. यहां से कट कर दो. अब आओ नीचे, ये जो ए फ्रेम है या स्टैंडर्ड जो फ्रेम है डायरेक्टली माउंटेड ऑन दी अपर प्लेट. ओके, ये है वर्टिकल एक्सिस थी इसकी. इस डायग्राम को थोड़ा और बड़ा बना देते हैं ताकि क्लियर विजिबल हो. ओके, ये है इसकी अपर प्लेट लाइन डायग्राम. अगर फिगर में शो करूं तो ये रही अपर प्लेट. इस अपर प्लेट पे डायरेक्टली माउंटेड रहता है ये ए फ्रेम या स्टैंडर्ड. ओके, इस स्टैंडर्ड को डायरेक्टली सपोर्ट करता है अपर प्लेट. और ये अपर प्लेट में होता क्या है? अपर प्लेट में होता है पहला वर्नियर ए और वर्नियर बी. इस तरह वर्नियर ए और वर्नियर बी. वर्नियर ए, वर्नियर बी. इस प्लेट को ध्यान से देखना. इस प्लेट को सपोर्ट करने के लिए इसके अंदर आता है इनर स्पाइंडल और इनर स्पाइंडल सॉलिड होता है और ये किसके अंदर फुलफिल होता है? आउटर स्पाइंडल. आउटर स्पाइंडल होलो होता है और इस कॉनिकल शेप को इसके अंदर माउंटेन कर देते हैं. ओके, तो अपर प्लेट को सपोर्ट करता है इनर स्पाइंडल और इनर स्पाइंडल एक सॉलिड कॉनिकल टाइप का शेप का होगा और ये सपोर्ट होता है इसके लोअर प्लेट और आउटर स्पाइंडल. क्लियर? यहां तक क्लियर? लोअर प्लेट दैट मींस ये वाली, इसके अंडरनीथ जो प्लेट है वो अभी क्लियर विजिबल नहीं है. इसका सारा अरेंजमेंट जो है वो इस फिगर में समझ में आएगा आपको. तो अपर प्लेट, अपर प्लेट पे वर्नियर ए और वर्नियर बी. वर्नियर मींस अपर प्लेट पे क्या स्केल होती है? वर्नियर स्केल. और ये जिस तरह वर्टिकल सर्कल में बताया था वर्नियर सी और वर्नियर डी, उसी तरह यहाँ पे वर्नियर ए और वर्नियर डी होता है. उसके जस्ट नीचे, उसके जस्ट नीचे एक सर्कुलर इस टाइप से डिस्क होगी और इस डिस्क में क्या होगा आपकी जो हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करने के लिए ग्रेजुएट होंगे. मींस यहां से क्या हो गए 0 degree, फिर उसके बाद 90 degree, फिर 180 degree और 360 degree. ओके, तो इसमें 360 degree तक यहाँ पे सारा क्या हो गए मार्किंग जो है वो सारा शो कर रखी इस वाली डिस्क में. ये डिस्क पूरी कहां पे माउंटेन है? ये वाली माउंटेन. इस वाली चीज को बोल रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल स्केल. ओके, यहां तक क्लियर सर? यस. हॉरिजॉन्टल स्केल विजिबल होती है क्या हमें? हाँ,
अरे ये विजिबल होने के लिए ही तो अपन को ना रीडिंग मेजर करते हैं। ये इसका एक मैं नेक्स्ट में आपको डायग्राम दूंगा। ये जो अभी ये जो मैग्नीफायर है ना, ये मैग्नीफायर दिख रहा है आपको, ये मैग्नीफायर है, इसके नीचे जस्ट ग्लास प्लेट लगी हुई है और ग्लास प्लेट के नीचे दो डिस्क लगी हुई है। दो डिस्क कैसे लगी हुई है ध्यान से देखना। ये है आपका हॉरिजॉन्टल स्केल। अब इसके ऊपर सबसे पहले डिग्री में मान लो यहाँ पे 185 डिग्री था, फिर उसके बाद में यहाँ पे मिनट्स में ग्रेजुएशन होते हैं ये ऐसे करके मिनट में, फिर यहाँ पे आ गया आपका मान लो 186 डिग्री, फिर ऐसे करते हुए 187 डिग्री। अब इतनी सी स्लाइड क्या है आपको इस ग्लास में दिख रही है, क्लियर। और इसके साथ में अटैच होता है वर्नियर, ये रहा आपका वर्नियर, और वर्नियर में स्टार्ट हो रहा है यहां से जीरो, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पे 10। और अब आपको क्या करना है, मैंने एक क्वेश्चन भी दिया होगा शायद, क्वेश्चन तो नहीं दिया होगा, वर्नियर स्केल को जब अपन ने पढ़ रहे थे लीनियर मेजरमेंट या फिर वर्नियर स्केल में हाउ टू रीड आउट दी वर्नियर रेट्रोग्रेड वर्नियर और डायरेक्ट वर्नियर, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि किस तरह इसको रीड आउट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर स्केल का इसके सामने कोई एक पार्ट जो है वो ओवरलैप होगा, और ये ओवरलैप देखने के लिए, ये पूरा अरेंजमेंट देखने के लिए, ये किसके अंदर बंद होता है ग्लास के अंदर, ये डिस्क हो गई, इसके ऊपर एक ग्लास लगा दिया और इसको मैग्नीफायर के द्वारा, अब मैग्नीफायर कैसे, अब आपकी आई साइड यहां पे रखनी है और इसको सी देखना है, इसको जैसे ही देखोगे तो आपको ये स्केल इस तरह से दिखेगी, और अब आपको फाइंड आउट करना है कि इसकी रीडिंग, मान लो इसकी रीडिंग 185 हो गया, 186 हो गया, 186 डिग्री, फिर उसके बाद कौन सा मैच कर रहा है 1 2 3 5, फिर हो गया 20 मिनट और 5 10 सेकेंड, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी मत समझना कि कैसे लिख दिया। तो इस तरह आप मैंने हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर कर लिया, और सेम टू सेम अरेंजमेंट ऑन द अपोजिट साइड इज वर्नियर बी, मींस आपको साइमल्टेनियसली दो रीडिंग लेनी पड़ती है पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल एंगल के लिए और वर्टिकल एंगल के लिए। यहां तक क्लियर? यस सर। ओके वेरी गुड। नाउ कमिंग टू द पॉइंट इज इनर स्पाइंडल हो गया, इनर स्पाइंडल कॉनिकल टाइप का रहेगा और ये डायरेक्टली होलो स्पाइंडल के अंदर माउंटेड होगा। और अब आते हैं क्लैंप स्क्रू। क्लैंप स्क्रू मींस कि इस मूवमेंट को, मतलब अपर प्लेट मूवमेंट हो रही है या लोअर प्लेट मूवमेंट हो रही है, उसको फ्रीज करने के लिए दो स्क्रू यूज होगा। इन स्क्रू को मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है इस वाले फिगर में। ओके थोड़ा सा इसको हटा देता हूं। क्लियर विजिबल हो जाए आपको कि जो स्क्रू जो है वो कैसे शो होता है। ये क्लियर? अब देखो ध्यान से, लोअर प्लेट बाहर की साइड में, बाहर की साइड में मींस ये आउटर स्पाइंडल, अगर मैं आउटर स्पाइंडल को फ्रीज करना चाहता हूं तो बाय द हेल्प ऑफ लोअर क्लैंप, लोअर लोअर मैच कर रहा है यहां पे, देख लो लोअर प्लेट को अगर फ्रीज करना है तो गो थ्रू दी लोअर क्लैंप। ये रहा आपका लोअर, मींस इस स्क्रू का लेवल और इस स्क्रू का लेवल, तो अपर साइड में ये लेवल है तो इसको बोलेंगे अपर क्लैंप स्क्रू और इसको बोलेंगे लोअर क्लैंप स्क्रू। ओके अपर क्लैंप स्क्रू, अपर क्लैंप स्क्रू क्या करता है, अपर क्लैंप स्क्रू फ्रीज करता है और फ्रॉम मोमेंट रेस्ट्रेन करना है किसको, अपर प्लेट को, मींस अगर मैं इसको टाइट करूंगा तो ये क्या करेगा, यहां जाके यहां जाते हुए इनर जो स्पाइंडल है इसको टाइट कर दिया इसने, दैट मींस अब इनर स्पाइंडल जो है या अपर प्लेट है वो मूवमेंट नहीं कर सकती, ये इस तरह मूवमेंट नहीं कर सकता। फिर आपको अगर लोअर प्लेट क्लैंप करना है तो आपको मींस लोअर प्लेट को अगर क्लैंप करना है या फ्रीज करना है तो यू गो टू दी डायरेक्टली लोअर क्लैंप स्क्रू विच इज ईयर, ये रहा लोअर
क्लैम स्क्रू। आया कुछ समझ में? आई थिंक वो क्लियर होगा शायद कंसेप्ट। आ गया समझ में? लाइन डायग्राम समझ में आ गया इसका, अपर प्लेट और लोअर प्लेट का, अपर प्लेट लोअर प्लेट और इनर स्पाइंडल आउटर स्पाइंडल, अपर क्लैम्प स्क्रू और लोअर क्लैम्प स्क्रू। यहां तक क्लियर? वीरेंद्र, रौनक, पृथ्वी, ऑल ऑफ यू? ओके, पार्शियली क्लियर है, लेकिन एक बार हम खुद बना के देखेंगे तो आई थिंक विल बी। हां ये, हां ये एक बार डायग्राम बना के भेजना, ये असाइनमेंट भी दूंगा मैं, तो इसका पर्टिकुलर जो फिगर है उसके साथ में अटैच करके और नोट डाउन करना। ओके, नाउ कमिंग टू दी, जिस तरह वर्टिकल सर्कल में मैंने बताया था, क्या बताया था, टेंजेंट स्क्रू के बारे में। इस टेंजेंट स्क्रू को मतलब वंस यू, अगर आपने क्या किया, वर्टिकल क्लैंप कर दिया, फ्रीज कर दिया इस सर्कल को, और स्लाइटली मूवमेंट कराना हो, बिल्कुल एकदम स्लाइट मूवमेंट, हल्का सा मूवमेंट कराना हो, तो आपको यूज करना होता है ये वाला स्क्रू। इसको बोलते हैं वर्टिकल टेंजेंट स्क्रू। तो उसी तरह हॉरिजॉन्टल प्लेट, आइदर दी अपर और लोअर प्लेट, उसके लिए यूज होता है टेंजेंट स्क्रू। ये रहा डायग्राम। अब इसको थोड़ा सा प्लान प्लान में समझाना पड़ रहा है, क्योंकि उसमें विजिबल नहीं था इस वाले फिगर में, जो अपना टोटल लाइट का जो फिगर है ना, अगर यहां से अगर शो करता है तो आई कैन क्लियरली विजिबल। आई थिंक दो चीज तो विजिबल हो रही है, एक और फिगर अपन ले लेते हैं ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए अपने को। ओके ओके ओके, no, this side only for, oh, okay, इस वाले फिगर में कुछ समझ में आया कि टेंजेंट स्क्रू कौन सा है। ये अब देखो ध्यान से, ये है आपका ट्राइब्रेक आर्म्स, मींस ट्राइपोड जो है ना, ये वाला जो नीचे वाला जो पोर्शन है, ये सबसे नीचे वाला पोर्शन, ये वाला, ये जो पर्टिकुलर, ये हो गया आपका ट्राइंगुलर जो प्लेट है ना, ये वाला, इस प्लेट के जस्ट अपोर्ट सपोर्ट रहता है स्पाइंडल का। और ये जो डायग्राम है हॉरिजॉन्टल जो इस हैचिंग कर रखी है, वो है आपका इनर स्पाइंडल, क्लियर? और इनर स्पाइंडल होता है सॉलिड कॉनिकल शेप, वो माउंटेड होता है इनसाइड द आउटर स्पाइंडल। जो ये वाली जो हैचिंग है, इसको बोलते हैं आउटर स्पाइंडल। ओके, और ये जो अरेंजमेंट है, इसको फ्रीज करने के लिए आपको ये जो दो स्क्रू जो मैंने बताया था, एक तो ये रहा लोअर क्लैंप स्क्रू, और इसके अपोजिट साइड में है आपका अपर क्लैंप स्क्रू, लोअर क्लैंप स्क्रू। अब लोअर क्लैंप स्क्रू करने के बाद में, अगर आपको लोअर प्लेट को अगर आपको स्लाइटली मूवमेंट कराना है, तो यू कैन यूज लोअर टेंजेंट स्क्रू, लोअर टेंजेंट स्क्रू। मींस ये रहा इस साइड में, ये आपका इसके डायरेक्शन में, और ये रहा इसका लोअर टेंजेंट स्क्रू। और अपर प्लेट को अगर स्लाइटली मूवमेंट यूज करना है, तो यू कैन इजली फाइंड आउट दी पर्टिकुलर, राइट एंगल हो गया इसका, ये राइट एंगल हो गया, और ये रहा अपर टेंजेंट स्क्रू। ओके, क्लियर? फिगर समझ में आया? देखो ये वाला पोर्शन तो है इनर स्पाइंडल, ये है आउटर स्पाइंडल। इस आउटर स्पाइंडल को रोकने के लिए, तो रोकने के लिए क्या करना पड़ रहा है, पहले लोअर क्लैंप स्क्रू लगा रहा हूं मैं, यहां पे आके मैंने इसको रोक दिया, ये हल्का सा इसको रोकने के बाद में क्या होगा, ये फ्रीज हो गया। फ्रीज होने के बाद में इसको हल्का सा मूवमेंट कराना है, तो मूवमेंट कराने के लिए स्लाइट मूवमेंट,
स्लाइट मूवमेंट के लिए यूज होता है लोअर टेंजेंट स्क्रू. यस और नो? यहां तक क्लियर? यस सर. ओके, नाउ कमिंग टू द प्लेट लेवल. ये बहुत सिंपल है. ये क्या है? एक हॉरिजॉन्टल लेवल है. ओके, और ये जो लेवल है इट कैन बी माउंटेड डायरेक्टली टू द पैरेलल टू द टर्नियन एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस. ये वो जो वाला पोर्शन है, ये ट्यूब्स जो बनी हुई है, इसको बोलते हैं प्लेट लेवल. अब प्लेट लेवल क्यों बोलते हैं, कोई बता सकता है? प्लेट लेवल क्यों बोल रहे हैं और इस पर्टिकुलर जो ए फ्रेम या स्टैंडर्ड जो फ्रेम है उसके ऊपर जो लेवल है उसको एल्टीट्यूड लेवल बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं, कोई बता सकता है आप में से? सर, क्योंकि ये जो है प्लेट के लेवल में है और वो एक हाइट पे है सर. ओके, वेरी गुड. और जो ये जो सेकेंडरी जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है, ये डायरेक्टली माउंटेड ऑन द प्लेट और ये मेजर करता है आपका प्लेट का लेवल. मींस ये प्लेन जो है ये हॉरिजॉन्टल है कि नहीं है उसके लिए. और एक सर्टेन हाइट पे एल्टीट्यूड लेवल पे जहां पे ये वर्टिकलिटी शो करता है, ये परफेक्टली वर्टिकल है कि नहीं. ओके, ये वर्टिकल है कि नहीं, ये अगर इंक्लाइन हो गया तो इस टाइप से होगा, तो ये एल्टीट्यूड लेवल बताता है कि ये वर्टिकलिटी है कि नहीं है. ओके, तो प्लेट लेवल जो है इट डायरेक्टली माउंटेन ऑन द प्लेट. और प्लेट कौन कौन सी? अपर प्लेट, लोअर प्लेट और उसके करेस्पॉन्डिंग. अपर प्लेट के लिए होता है अपर क्लैंप स्क्रू, लोअर प्लेट के लिए यूज होता है लोअर क्लैंप स्क्रू फॉर द टेंजेंट या स्लाइट मूवमेंट. हल्का सा मूवमेंट करने के लिए लोअर प्लेट के लिए लोअर टेंजेंट स्क्रू और अपर प्लेट के लिए अपर टेंजेंट स्क्रू. क्लियर? ये है आपका. अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है छोटोलाई का, तो आपको वो वाला डायग्राम नहीं ड्रॉ करना है, ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है. ओके, अगर बोले कि छोटोलाइट का सिस्टमेटिक डायग्राम बनाओ, स्केमेटिक डायग्राम, स्केमेटिक या स्केच ऑफ द छोटोलाइट लाइन डायग्राम, तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है. क्लियर? ये तो इजी है ना एज कंपेयर टू लाइन डायग्राम ऑफ होल सेक्शन. यस सर, बहुत इजी है उसके. हाँ, तो ये इजी इसलिए, तो जितना इजी है तो इसमें ना 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. एग्जाम के पर्पज में थोड़ा सा ये वाला डायग्राम जो है वो ज्यादा प्रिफर करना, सेव द टाइम. और मेन चीज, अगर किसी ने डायग्राम बना दिया और उसको नोमेनक्लेचर नहीं किया, मींस जो जो पार्ट्स जो है उसको शो नहीं किया, जैसे ये जो पार्ट जो है वो सी डिनोट कर रहा है. सी का मतलब है यहाँ पे वर्नियर सी है और डी का मतलब यहाँ वर्नियर डी है और इसको ए फ्रेम बोलते हैं. फिर टेलीस्कोप का आई पीस. फिर ये नॉर्मली जो हिडन जो पार्ट है वो तो आप ना डिस्क्राइब कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन जो यहाँ पे पार्ट जो विजिबल है और उन पार्ट को अगर आपने नहीं यहाँ पे डिनोट किया या फिर नोमेनक्लेचर नहीं किया उसका, तो आपको वो मार्क्स जो है वो 50 मार्क्स काट लेगा उसको. कि मेरे को क्या पता कि भाई कौन सा पार्ट क्या है, जब तक आप लिखोगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा. क्लियर? यहां तक क्लियर? ओके, यस सर. फ्रॉम माय साइड इज ओवर. इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द टुडे क्लास और अबाउट द टोटलाइट, यू कैन आस्क मी. कोई पर्टिकुलर स्लाइड, कोई पॉइंट, क्योंकि मेरी कोशिश में मैंने बहुत कुछ फिगर बाय द हेल्प ऑफ फिगर और यूट्यूब पे जाके यू कैन इजीली फाइंड आउट दी. नॉर्मली वीडियो रहेगा, एक वीडियो तो मैंने बता ही देखा, दूसरा वीडियो बहुत सारे नॉर्मली जो सर्वर है एक्सपर्ट है वो डायरेक्टली हर पार्ट्स को आपको डिफाइन कर रखा है. इस पार्ट्स को क्या बोलते हैं, इस पार्ट्स को क्या बोलते हैं. फ्रॉम माई साइड इज ओवर. इफ यू हैव एनी डाउट, I hope all things are clear. Yes, sir. We have to be conclude now. We have next class at 12 p.m. Okay, very good. Okay. Thank you, sir. You can go. Thank you, sir. Welcome.